देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, -1.1 और 5.7 को मिलाने वाली रेखाखंड को रेखा x + y = 4 किस अनुपात में विभाजित करती है। देखो हम चित्र से आपको बताएंगे, एक बिंदु हम कुछ देखो दिया गया है -1.1 और दूसरा बिंदु आपका है कितना 5.7 और इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो एक रेखाखंड, ये देखो ए बिंदु डाल लें यहां बी डाल लें तो रेखाखंड ए बी तैयार होता है और इस रेखाखंड को एक रेखा x + y = 4 ये देखो विभाजित कर रही है। मान लें ये रेखा आपकी ये है, ठीक, ये रेखा कौन सी है x + y = 4 और ये रेखा इस पूरी ए बी रेखा को मान लें के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है और किस बिंदु पर करती है सी बिंदु पर और इस सी बिंदु के निर्देशांक मान लें x, y है, ठीक। तो यहां पर देखो विभाजन बिंदु अगर हमें ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, देखो समझो बात, यहां लिख दें रेखा ए बी, माना लिख दें, माना रेखा ए बी को बिंदु सी जिसके निर्देशांक हमने x, y माने हैं, बिंदु सी के अनुपात एक के अनुपात में विभाजित करता है। ये जो देखो ये रेखा जो है x + y = 4 इस ए बी रेखा को सी बिंदु पर विभाजित कर रही है किस अनुपात में, के अनुपात एक के अनुपात में, ठीक है। तो यहां पर विभाजन बिंदु सी के निर्देशांक हम ज्ञात करना है, किस प्रकार करेंगे, देखो विभाजन बिंदु सी इसके निर्देशांक है x, y तो x बराबर हमें निकालना है, सूत्र होता है m1x2+m2x1 और अपॉन में m1+m2, ठीक है, और इसका y निर्देशांक होता है y = m1/2+m2/1 और अपॉन में m1+m2, ठीक है। बस यहां पर देखो हम मान भर दें इसमें तो x निर्देशांक हमारा ये ज्ञात हो जाएगा m1 देखो ध्यान दें यहां पर m1 बराबर आपको k लिखना है, m2 बराबर आपको कितना लिखना है 1 लिखना है और ये बिंदु आपका हो जाएगा x1y1 और ये बिंदु आपका हो जाएगा x2y2, ठीक है। m1 की वैल्यू k लिखेंगे और इंटू x2 की वैल्यू 5 लिखनी है प्लस m2 1 लिखना है, x1 का मान -1 लिखना है और अपॉन में k+1, ठीक है। तो यहां पर देखो x की वैल्यू हमारी ये कैलकुलेट होके आ जाएगी कितनी, 5k - 1 अपॉन में k+1। देखिए y निर्देशांक कैसे निकालोगे, y बराबर हमें निकालना है m1 का मान k लिख दें इंटू y2 का मान 7 लिखेंगे प्लस m2 का मान 1 लिखना है, y1 का मान भी 1 लिखना है अपॉन में k+1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा देखो y = 7k+1 अपॉन में लिखना है k+1, ठीक। तो आपका विभाजन बिंदु सी निकल के आ गया, देखो यहां लिख दें विभाजन बिंदु सी के निर्देशांक सी, ठीक, कितने आपको लिखना है 5k - 1 अपॉन k+1 और एक y निर्देशांक निकला है वो है आपका 7k+1 अपॉन k+1, ठीक है। अब देखिए ध्यान दें ये जो विभाजन बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करेगा क्योंकि इस रेखा पर ही तो ये बिंदु है, तो आपको लिखना है चूंकि देखिए बिंदु सी रेखा x + y = 4 पर होगा, देखो बिंदु सी के निर्देशांक हमारे निकल के आए हैं देखो ये वाले, है ना, बिंदु सी यहां ना लिखें, बिंदु सी यहां लिख दें बिंदु सी रेखा x + y = 4 पर स्थित है अतः इसे संतुष्ट करेगा। तो करा दें भाई संतुष्ट, x का मान आपको लिखना है 5k - 1, क्या लिखना है 5k - 1 और अपॉन में लिखना है k+1 और प्लस अब y की वैल्यू लिखनी है 7k
प्लस वन अपॉन में के प्लस वन और बराबर में क्या लिखना है चार। देखो एक्स का मान ये लिख दिया, प्लस का निशान, वाई का मान ये लिख दिया, बराबर में चार। ठीक है, तो बस इसको हल करोगे तो इस प्रकार देखो के प्लस वन एलसीएम आ जाएगा जिसका इधर चार में गुणा हो जाएगा, तो आपके पास यहां क्या बचेगा देखो पांच के माइनस एक प्लस सात के प्लस एक और बराबर में हो जाएगा चार इंटू ब्रैकेट में के प्लस वन। यहां सात और पांच बारह के लिख दें और माइनस का एक प्लस का एक कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा चार के प्लस में चार। तो इधर देखो चार को पक्षांतर से यहां ले आओगे तो कितना हो जाएगा आठ के, आठ के बराबर चार। तो यहां से देखो के की वैल्यू निकलेगी एक बटे दो। तो देखो अनुपात जो पूछा गया था वो अनुपात हमारा निकल के आ गया, अनुपात विभाजन अनुपात क्या होगा आपको लिखना है। के अनुपात एक था ना, तो आपको लिखना है देखो के अनुपात एक, तो के का मतलब एक बटे दो, एक बटे दो अनुपात एक, इसको क्या लिखोगे एक अनुपात दो। ठीक है, ये देखो आपका अनुपात ज्ञात हो गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। बिंदु 1.2 से रेखा 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0 की 2x माइनस y बराबर 0 के अनुदिश दूरी हमें ज्ञात करनी है। देखो इसको भी हम एक चित्र से बताएं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कोई रफ डायग्राम इस प्रकार बना दें कि एक ये कोई रेखा है जो कि है कितनी रेखा 4x प्लस में है 7y और प्लस का है 5 और बराबर में 0। ठीक, इस रेखा की इस बिंदु से दूरी, देखो बिंदु 1.2 से इस रेखा की दूरी किस रेखा के अनुदिश, 2x माइनस वाई बराबर 0 के अनुदिश दूरी। देखो यहां पर एक कोई हम ये बिंदु ले लेते हैं 1.2 और इस 1.2 बिंदु से इस रेखा की दूरी देखो इस प्रकार हम लिख देते, और ये रेखा देखो कौन सी 2x माइनस वाई बराबर 0, मतलब इस बिंदु की इस रेखा के अनुदिश इस रेखा से दूरी, क्लियर। तो ये दूरी हमसे पूछी गई है, थोड़ी देर के लिए इस बिंदु का नाम ए दे और इस बिंदु का नाम अगर बी दे दें तो ए बी दूरी हमसे ये पूछी गई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है देखो ध्यान दें, इस रेखा और इस रेखा का ये प्रतिच्छेद बिंदु बी बिंदु हमें पहले ज्ञात करना है। ठीक, और जब प्रतिच्छेद बिंदु बी ज्ञात हो जाए और ये ए बिंदु पहले ही से ज्ञात है तो बस दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा के इस दूरी को हमें ए बी दूरी को ज्ञात कर लेना है, क्लियर। तो सबसे पहले इसको हल कर दें, देखो यहां समझना है एक रेखा हमें दी गई है 4x प्लस में 7y प्लस 5 बराबर 0, एक रेखा ये दी गई है और एक दूसरी रेखा है वो है 2x माइनस में y और बराबर में 0, ये आपकी एक दूसरी रेखा है। बस इन दोनों को पहले हल करना है और x और y के मान ज्ञात करना है। देखो रेखा नंबर 2 से अगर हम y का मान निकालें, y बराबर ये हो जाएगा कितना 2x, और कहां लिख दें समीकरण एक में रखने पर, ठीक प्रतिस्थापन कर दें तो देखो ये हमारे पास कितना मिलेगा 4x प्लस 7y का मान लिखेंगे 2x और प्लस का लिखें 5 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 4x और ये आपके पास हो जाएगा प्लस में देखो 7 दूनी 14 इंटू एक्स और ये बराबर में आपको माइनस का 5 लिखना, प्लस 5 माइनस 5 हो जाएगा ना, तो यहां इसको हम जोड़ दें तो ये हमारे पास हो जाएगा देखो 14 और 4 कितना 18, 18x बराबर में माइनस का 5 और x बराबर हो जाएगा माइनस का 5 बटे में 18। ठीक, और इस x के मान को आपको यहां लिख देना है तो x बराबर यहां लिख देना, देखो यहां ये y बराबर कितना हो जाएगा देखो 2 और x का मान माइनस का 5 बटे 18 लिख दें तो ये हो जाएगा माइनस का कितना देखो 2 से इसको 9 बार काटोगे माइनस का 5 बटे 9। ठीक, तो प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु है चित्र से हमने बी बिंदु लिखा है प्रतिच्छेद बिंदु, तो आपको लिखना है प्रतिच्छेद बिंदु बी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे देखो माइनस का 5 बटे 18 कोमा माइनस का 5 बटे 9। ठीक, अब इन दोनों बिंदुओं के ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो यहां लिख दें बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी, क्या लिखना है बिंदुओं ए व बी के बीच की दूरी ए बी बराबर, कैसे लिखोगे अंडर रूट, क्या फॉर्मूला होता है एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी याद हमने करवाया कैसे
भुज माइनस भुज का होल स्क्वायर प्लस कोटी माइनस कोटी का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखो ध्यान दें, ये आपका एक है और माइनस ये देखो एक्स टू, ये एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स टू की वैल्यू माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा पांच बटे में अठारह, और इसका होल स्क्वायर लिखेंगे और प्लस यहां फिर इसके बाद बाई वन माइनस बाई टू, बाई वन का मान टू है, माइनस बाई टू, बाई टू का मान भी देखो माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पांच बटे में नौ लिखना है, इसका होल स्क्वायर लिखना है, बस इसको हल करेंगे, ये दूरी हमारी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, देखो 18 एकम 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, तो 23 बटे में 18 इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस यहां पर देखो 9 दूनी 18 5 23 यहां भी हो गया, तो आपको लिखना है 23 अपॉन में 9 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, 23 का 23 में मल्टीपल थोड़ा महंगा पड़ेगा, देखो थोड़े से हिसाब से आपको काम करना है, यहां से दोनों जगह से, इन दोनों जगह से आपको 23 अपॉन 9 का स्क्वायर इतना कॉमन ले लेना है। ठीक, तो यहां पर आपके पास बचेगा एक और प्लस यहां पर बचेगा एक बटे दो का स्क्वायर, मानी एक बटे चार, सीधा डायरेक्ट लिख लें। ठीक, यहां पर देखो नौ से अगर भाग करेंगे तो एक बटे दो बचेगा, एक बटे दो का जब स्क्वायर करोगे तो एक बटे चार बचेगा, तो बस यहां से देखो 23 अपॉन 9 का होल स्क्वायर है, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 23 अपॉन में 9, और बस अंडर रूट में आपके पास क्या बचेगा, देखो चार एकम चार और एक पांच, मानी पांच बटे में कितना चार, और चार का और आपको वर्गमूल लेके बाहर निकालना है तो नौ दूनी अठारह हो जाएगा, आपको लिखना है 23 बटे में 18 इंटू अंडर रूट पांच, और आगे लिखना है इकाई। ठीक है भैया, समझ में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, बिंदु माइनस 1.2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात करिए जिसका रेखा x प्लस वाई बराबर चार से प्रतिच्छेद बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर है। देखो ध्यान से समझना है, इस बिंदु से खींची जा सकने वाली रेखा की दिशा आपसे पूछी गई, दिशा मानी जैसे हम किसी भी रेखा की प्रवणता अगर ज्ञात कर लें तो उस प्रवणता से मतलब होता है m, और m बराबर क्या होता है tan थीटा, मानी थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, यहां पर थीटा मानी क्या होता है रेखा का धन x अक्ष से झुकाव, मतलब रेखा का धन x अक्ष से किस दिशा में रेखा खींची गई है वो दिशा हमारी ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो यहां पर हमें लिखना है बिंदु माइनस 1.2 से जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण, तो एक बिंदु हमें दिया जाएगा, उस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, बाई माइनस बाई वन बराबर में एम ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन। देखो यहां पर बाई माइनस बाई वन की वैल्यू आपको दो लिखनी है, एम का मान हम ज्ञात करेंगे, एक्स माइनस एक्स वन का मान माइनस एक है तो ये माइनस माइनस प्लस का एक हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए अगर बाई की वैल्यू निकालेंगे तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, देखो एम एक्स और प्लस में एम और प्लस में दो, ये आपका रेखा का समीकरण हो जाएगा। ठीक, ये माइनस का दो प्लस का दो हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि इस रेखा की दिशा कितनी होगी, मतलब इस रेखा में अगर एम का मान हमें पता चल जाए तो रेखा की दिशा हमारी पता चल जाएगी। चलिए देखो ध्यान दें, एक बात और इसमें लिखा है कि जिसका इस रेखा के साथ जो प्रतिच्छेद बिंदु है उस प्रतिच्छेद बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर यह रेखा है। देखो ध्यान दें, हम चित्र से बता दें, रफ चित्र है हालांकि, समझें, एक आपकी कोई रेखा है ये वाली रेखा, ठीक, इस रेखा और एक रेखा देखो ये दी गई है, एक रेखा हम मान लेते हैं ये दी गई है, और ये दोनों रेखाएं कहां पर काट रही है, देखो यहां पर काट रही है, और ये वाली रेखा जो पहली वाली है जो ये लिखी है, ये रेखा कहां से जा रही है, माइनस 1.2 से ये रेखा जाती है। ठीक है, माइनस 1.2 से जाने वाली रेखा की, इस रेखा की हमें दिशा ज्ञात करनी है, मान लेते हैं ये रेखा L1 है और ये रेखा हमें प्रश्न में दी गई है x प्लस वाई बराबर में चार, तो सवाल सीधा सीधा कह रहा है कि इस बिंदु से माइनस 1.2 से खींची जा सकने वाली रेखा की दिशा बताइए जिसका इस रेखा का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इस प्रतिच्छेद बिंदु से इस बिंदु की दूरी प्रश्न में दी गई है कितनी, ये दी गई है देखो 3 इकाई। ठीक, ये दी गई है दूरी कितनी, 3 इकाई। मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बिंदु मान लेते हैं क्या है, बी मान लेते हैं, बी है। ठीक, तो ए से बी तक की दूरी ये 3 इकाई हमें दी गई है,
तो पहला काम इस रेखा का देखो हमने समीकरण ये ज्ञात कर लिया और इस रेखा का समीकरण हमें ये प्रश्न में दिया गया है और बस इन दोनों रेखाओं को अगर हल कर दें तो ये बी बिंदु मानी प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा। तो बस प्रतिच्छेद बिंदु सबसे पहले हमें निकालना है। देखो ध्यान दें, हमें क्या करना है, रेखा एक्स प्लस वाई बराबर चार, ये इस पर नंबर दो डाल दें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रतिच्छेद बिंदु B के लिए हम दोनों रेखाओं को हल करेंगे। समीकरण एक व दो को हल करने पर हमें क्या मिलेगा, प्रतिच्छेद बिंदु B के निर्देशांक मिलेंगे। तो देखो यहां पर y की वैल्यू जो यहां से हमने समीकरण एक से निकली रखी है वो आपको कहां रखनी है, समीकरण दो में। यहां लिख दें, समीकरण एक से y का मान समीकरण दो में रखने पर रख देते हैं भाई। देखो ध्यान दें, x का मान ज्यों का त्यों लिखना है प्लस y का मान लिखना है mx प्लस m प्लस दो और बराबर में क्या लिखना है, चार, ठीक है। यहां देखो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, देखो इन दोनों जगह से यहां से x कॉमन लेना है तो 1 प्लस m बचेगा और बराबर इधर देखो यहां से दो अगर हम इधर ले आएंगे तो चार में से दो घटाएंगे दो बचेगा और माइनस का ये m हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास ये बचेगा दो माइनस m और अपॉन में 1 प्लस m, ये x की वैल्यू निकल के आ गई। और इस x की वैल्यू को कहां लिखना है, यहां समीकरण नंबर एक में लिख दें, यहां लिख दें x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, एक नंबर में रख दें। तो देखो यहां हम लिख के दिखा देते हैं, x का मान यहां लिखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी देखो y बराबर m और इंटू x, x का मान आपको लिखना है दो माइनस में m और अपॉन में लिखना है 1 प्लस m और ये देखो है ना, और प्लस का m ज्यों का त्यों और प्लस का दो भी आपको ज्यों का त्यों रखना है, ठीक है। यहां से देखो m की वैल्यू कितनी, ये y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 प्लस m, यहां से देखो m का अंदर मल्टीपल करोगे तो 2m माइनस में m स्क्वायर और प्लस में 1 प्लस m का यहां पर देखो m प्लस 2 में गुणा करना है तो पहले एक का गुणा करेंगे तो m प्लस 2 आएगा, फिर इसके बाद m का गुणा करेंगे तो m स्क्वायर प्लस में 2m, ठीक है। तो इस तरीके से देखो m स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये बचेगा देखो कितना, एक 2m और एक 3 और दो 5, 5m प्लस में 2 और अपॉन में 1 प्लस m, ये हो गया y का मान। तो देखो प्रतिच्छेद बिंदु B के निर्देशांक, प्रतिच्छेद बिंदु B के निर्देशांक देखो कितने हो जाएंगे, x की वैल्यू हमारी ये है 2 माइनस में m और अपॉन में 1 प्लस m और कॉमा y की वैल्यू हमारी निकल के आई है 5m प्लस में 2 अपॉन में 1 प्लस m, ठीक है। तो प्रतिच्छेद बिंदु देखो निकल के आ गया और एक ए बिंदु पहले से दिया है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी प्रश्न के अनुसार 3 दी गई है, यहां लिख दें, यहां प्रश्नानुसार कितना, देखो प्रश्न के अनुसार क्या है, ए बी मतलब ए से बी के बीच की दूरी प्रश्न में कितनी, 3 दी गई है ना। और बताओ इन दोनों बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, आपको पता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखो x1 को हमें माइनस एक लिखना है और फिर माइनस और ये आपका x2 की वैल्यू है 2 माइनस m और अपॉन में 1 प्लस m, 1 प्लस m और इसका लिख दें होल आप स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू देखो कितनी है, ये आपको लिखना है 2 और माइनस में लिखना है 5m प्लस में 2 और अपॉन में लिखना है 1 प्लस m, ठीक, और इसका होल स्क्वायर लिख दें और बराबर में आपको 3 लिखना है, ठीक है। दोनों पक्षों का अगर स्क्वायर करें तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा और स्क्वायर करने के बाद आपको देखो क्या मिलेगा, यहां लिख देते हैं, ये 1 प्लस m एलसीएम आ जाएगा तो आपको लिखना है माइनस का 1 माइनस का m माइनस में 2 प्लस में m और इसका होल स्क्वायर लिखना है प्लस यहां पर देखो इसको लिखना है 2 प्लस में 2m माइनस का 5m माइनस का 2 और अपॉन में लिखना है 1 प्लस m, इसका भी आपको होल स्क्वायर लिखना है और बराबर में 3 का स्क्वायर 9, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया।
तो यहां पर देखो एक बार m से m आप कैंसिल कर सकते हो, माइनस का 3 और अपॉन में 1 प्लस m इसका होल स्क्वायर लिख दें। और यहां पर बिल्कुल ठीक इसी प्रकार देखो माइनस का 5m से 2m घटाओगे और ये बचेगा आपका माइनस का 3m और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस m और इसका होल स्क्वायर और बराबर में कितना 9। इसका देखो स्क्वायर अगर दोनों पक्षों का करेंगे, यहां पर स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां भी देखो 9 इंटू एम स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एम का होल स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू में आपको कितना 9 लिखना है। ठीक, तो बस आप तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा काम दिख रहा है, 9 से देखो 9 सारे देखो 9 कॉमन लेके कैंसिल आप कर सकते हो, है ना। तो ये 9 अगर कैंसिल कर दो तो अब मेरे पास थोड़ी जगह कम है, यहां पर रब करना पड़ेगा। यहां पर देखो क्वेश्चन को रब कर देते हैं और यहां पर आपको इसका आंसर दे देते हैं। ठीक है, यहां बस इतने में आ जाएगा, इसको देख लें। ये आपके पास देखो 9 जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 1 प्लस में 1 प्लस m का होल स्क्वायर लिख दें और प्लस में आपको लिखना है m स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस m का होल स्क्वायर लिख दें और बराबर में 1 लिख दें। अगर यहां से देखो 1 प्लस एम का होल स्क्वायर लघुगणक लेके अगर इधर मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर में 1 प्लस एम का होल आप स्क्वायर। इसके बाद देखो 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर में यहां होल स्क्वायर तोड़ दो तो 1 का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस में 2m, तो एम स्क्वायर ये एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2m बराबर 0 हो जाएगा, तो m बराबर कितना 0 हो जाएगा। देखो m बराबर 0 निकला इसका क्या अर्थ है, m बराबर 0 निकला इसका अर्थ है कि ये जो रेखा आपकी है ये वाली रेखा इसकी प्रवणता शून्य है, और अगर किसी रेखा की प्रवणता शून्य होती है तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि वो रेखा x अक्ष के समांतर है या x अक्ष ही है, ऐसे समझे, मतलब x अक्ष से उसका झुकाव 0 है, तभी हम कह सकते हैं कि उसकी प्रवणता 0 है। तो यही तो दिशा हमसे पूछी गई है कि ए बी रेखा की क्या दिशा होगी, आपको लिखना है ये रेखा x अक्ष के समांतर होगी, क्या लिखना है, रेखा जो ए बी है वो x अक्ष के समांतर होगी, यहां आपको लिखना है x अक्ष के समांतर रेखा होगी। ठीक, अभीष्ट रेखा x अक्ष के समांतर होगी, यार ऐसे लिख दें रेखा ए बी x अक्ष के समांतर होगी, x अक्ष के समांतर होगी। ठीक है भैया, यही तो पूछी गई थी दिशा कितनी होगी, क्या होगी दिशा, तो आपको बतानी है ए बी रेखा की दिशा x अक्ष के समांतर होगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत्य बिंदु 1.3 और -4.1 हैं, त्रिभुज के पाद अर्थात समकोणीय भुजाओं के समीकरण हमें ज्ञात करना है। देखिए पहले आपको चित्र बनाना है, समझे बात ध्यान से, कहां पे कर्ण बनाना है आपको, ये जो बिंदु दिए गए हैं उनको पहले ट्रेस करना है। देखिए कैसे करना है, यहां पर इस प्रकार हम देखो ये एक्स अक्ष मान लेते हैं, ये वाई अक्ष मान लें, और यहां पर देखो हमें कुछ 1.3 बिंदु पहले हमें ट्रेस करना है, x अक्ष पर 1 इकाई और y अक्ष पर 3 इकाई, देखो 1, 2 और ये 3, ये बिंदु आपको कहलाएगा 1.3। ठीक, ये बिंदु, और इसके बाद -4.1 एक ट्रेस करना है, ये वाला बिंदु, तो देखो -4 का मतलब ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 4 इकाई चलना है, 1, 2, 3 और 4, और ऊपर प्लस वाली दिशा में 1 इकाई चलना है, तो ये बिंदु आपका कहलाएगा कितना, -4.1। ठीक है, और अगर इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो ये आपका देखो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। सवाल कह रहा है समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत बिंदु, मतलब एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है, तो ये हम कह सकते हैं अगर कर्ण बना दिया जाए तो इसको देखो आप त्रिभुज कैसे बनाओगे, समझो बात, ये चूंकि समकोणी त्रिभुज है वैसे तो ये, अगर ये कर्ण है तो ये देखो अगर इस प्रकार से बनाए, देखो ध्यान दो ये वाला आधार कैसे बनाए, एक्स अक्ष के समांतर ये, और इसको यहां पर ऐसे लंब बना दें, तो अब हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज आपका क्या है, समकोणी त्रिभुज है, और इस समकोणी त्रिभुज के कर्ण के अंत बिंदु आपका दिया गया है 1.3 और -4.1। ठीक, और बस अब हमें क्या करना है, देखो नाम डाल दें, इसका नाम ए लिख दें, इसका नाम बी लिख दें, यहां पर हम सी नाम लिख देते हैं। ठीक है, समझो बात ध्यान से, हमसे आप ये पूछा गया है कि समकोणी भुजाओं के समीकरण ज्ञात करिए, तो देखो समकोणी भुजा एक ये है,
एक ये है, इन दोनों भुजाओं के मतलब बीसी भुजा का और एसी भुजा के समीकरण हमें ज्ञात करने हैं। तो बिल्कुल आसान सा काम है। सबसे पहला काम इस सी बिंदु के निर्देशांक निकालें। देखो एकदम आसान सा है, कैसे, यहां से यहां तक देखो एक इकाई और ऊपर भी एक इकाई, तो यहां से हम कह सकते हैं सी बिंदु के निर्देशांक 1.1 होंगे। ठीक है, फिर से देखो यहां से यहां तक एक इकाई चले और ऊपर धनात्मक दिशा में जो y की धनात्मक दिशा है उसमें भी हम एक इकाई चले, तब C बिंदु के निर्देशांक हम कह सकते हैं 1.1। ठीक है, तो अब क्या बताओ, अब तो कुछ बताने का खास काम नहीं रहा है, यहां पर आपको लिख लेना है बिंदु C के निर्देशांक। तो बिंदु अगर C के निर्देशांक हमें मिले, देखो कितने बिंदु C के निर्देशांक मिल गए 1.1। तो अब रेखा BC का समीकरण आपसे पूछा गया है और रेखा AC का समीकरण आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले लिखना है रेखा BC का समीकरण। बोलो भाई, रेखा BC मतलब दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा, आपको लिखना है y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 / x - x1। ठीक है, तो एक बिंदु x1 / y1, दूसरा x2 / y2, तो यहां पर आपको लिखना है y - y1। देखो y1 की वैल्यू कितनी लिखनी है, 1 बराबर y2, ये है y2 1 -y1, y1 को लिखना है 1 / x2 - x1, x2 को लिखना है 1 - x1, x1 बराबर आपको लिखना है -4, तो ये -- प्लस का 4 हो जाएगा और ब्रैकेट में x - x1, x1 का मान -4 मानी प्लस का 4। ठीक, तो देखो एक में से एक जैसे ही घटेगा ये शून्य हो जाएगा और शून्य का गुणा किसी राशि में पूरा शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं y - 1 = 0। ये आपका हो गया रेखा BC का समीकरण। ठीक, आपसे पूछा गया है त्रिभुज के पाद, मतलब ये जो लंबवत रेखाएं दोनों हैं लंबपाद के निर्देशांक, मतलब लंबवत जो रेखाएं आपकी हैं, एक ये रेखा और एक ये वाली रेखा, मतलब BC रेखा और AC रेखा के समीकरण हमसे पूछे गए, जो समकोणीय भुजाएं हैं। ठीक है, जो समकोण बना रही उन भुजाओं के समीकरण हमें ज्ञात करने हैं। तो ये आपका रेखा BC का समीकरण हो गया। इसी प्रकार बिल्कुल रेखा AC का समीकरण आपको निकालना है, यहां लिख देते हैं रेखा AC का समीकरण। देखो ये भी तो वही बात है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, आपको वही सूत्र लगाना है y - y1। देखो x1 - y1 क्या लिखना है, 3 y - y1 = y2 / x2 - x1 / x - x1 1। ठीक, तो यहां देखो 1 - 1 ये आपका 0 हो जाएगा और 0 का यहां मल्टीपल करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास कितना, देखो यहां से एक में से दो घटाओगे तो कितना बचेगा, चलो एक लाइन स्टेप बढ़ा के बताएंगे, y - 3 = ऊपर आपको -2 लिखना है, नीचे 0 लिखना है x - 1। 0 का यहां गुणा करोगे 0 हो जाएगा, तो -2x और -+2। ठीक है, तो यहां से देखो इसको अगर हम x का मान निकालना चाहें तो देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सीधा कॉमन लेके कर सकते हो और x बराबर आपको लिखना है कितना, 1। ठीक है, तो इस तरीके से देखो रेखा AC का समीकरण x बराबर 1 आ गया और रेखा BC का समीकरण y - 1 = 0 आ गया। ठीक, या इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं x - 1 = 0, ऐसे लिख दें। ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, किसी बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए बिंदु 3.8 का रेखा x + 3y = 7 में प्रतिबिंब आपको ज्ञात करना है। फिर से एक बार देखो, इस रेखा का प्रतिबिंब 3.8 का जो प्रतिबिंब बनेगा और इस रेखा को हम क्या मान लें, दर्पण मानते हुए लिखेंगे। देखो यहां पर हम ऐसे बना दें कि एक रेखा है ये और इस रेखा को देखो हम दर्पण मान लें, ये देखो दर्पण के तरीके से यहां पर हमने पेंट कर दिया, ये मान लो ये इसका परावर्तक तल ऊपर की ओर। ठीक, और यहां से देखो 3.8 ये आपका कोई बिंदु है 3.8 और 3.8 पर देखो जो यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब हम इसको क्या मानेंगे, दर्पण, और ये क्या मानेंगे, वस्तु। तो जो वस्तु से दर्पण की दूरी जितनी होती है उतना ही दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो यहां से यहां तक देखो ये तो आपके दर्पण से वस्तु की दूरी ये हो गई और उतनी दूरी पर देखो यहां पर आपका ये कोई प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु का, ये देखो P बिंदु है, P बिंदु का यहां पर कहीं प्रतिबिंब बनेगा मान लेते हैं R,
और इस आर के निर्देशांक हमने मान लेते हैं एच कॉमा के जो कि पूछे गए। इस रेखा का समीकरण देखो ये दिया गया है, ये इस रेखा को हमने दर्पण माना है, उसका समीकरण कितना है एक्स प्लस में तीन बाई और बराबर में कितना सात। ठीक, यहां पर अगर हम डॉट डॉट करके इसको और आगे इस बिंदु तक मिला दें, देखो आपको समझना है क्या, एक तो रेखा ये दी गई है और इस रेखा पर ये रेखा क्या है लंब रेखा है। देखो समझना है आपको, ये बिंदु आपको जो मिलेगा ये बिंदु क्या होगा, इस बिंदु और इस बिंदु के बिल्कुल ठीक मध्य बिंदु पर होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने बताया कि वस्तु से दर्पण की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बस जस्ट बराबर बराबर होती है, तो ये दूरी बराबर इसके, मतलब ये बिंदु हमें पहले ज्ञात करना है, तो ये पी आर रेखा का मध्य बिंदु होगा। इसको हम अगर क्यू बिंदु डाल दें, क्यू, तो इस क्यू बिंदु के निर्देशांक आपको कैसे ज्ञात करना है, आपको इस रेखा का समीकरण पता है और इस रेखा पर ये रेखा लंब है, तो हमें लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेना है। देखो यहां लिख देते हैं रेखा x प्लस तीन वाई बराबर सात, इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण, लंब रेखा PQ का समीकरण, तो लंब रेखा PQ का समीकरण कितना हो जाएगा, किसी दी गई रेखा पर लंब रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, हमने आपको बताया केवल x और y के गुणांक बदलना होता है, बीच का साइन बदलना है। ठीक, तो यहां पर हमें ऐसे लिखना है, देखो 3x माइनस का वाई बराबर में लैम्डा, इस रेखा पर ये रेखा लंब हो गई। ठीक है, ये लंब रेखा हो गई। अब ये लंब वाली रेखा देखो कहां से जा रही है, 3.8 से, तो आपको लिखना है क्योंकि यह रेखा बिंदु 3.8 से जाती है, अतः इसे संतुष्ट करेगी। इसे संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ, इसका संतुष्ट करने का मतलब होता है कि आपको x का मान लिखना है, मान यहां लिख दें अर्थात x बराबर 3 और y बराबर 8 रखने पर, यहां इस रेखा में आप रख देंगे तो लैम्डा की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। यहां देखो 3x का मान हम 3 लिखेंगे माइनस y का मान हम 8 लिखेंगे बराबर में लैम्डा, तो यहां पर देखो 3 * 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, लैम्डा बराबर 1। ये लैम्डा अगर यहां रख दिया जाए लैम्डा का मान समीकरण 1 में रख दें, तो अगर 1 में रखेंगे तो रखने पर देखो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 1। ये रेखा देखो हमारी जो मिली है ये रेखा है PQ और ये रेखा आपको x प्लस 3y बराबर 7 प्रश्न में दी गई है। इन दोनों रेखाओं को अगर हल कर लें तो ये प्रतिच्छेद बिंदु Q का निर्देशांक मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर इस रेखा को तो हमने 1 नंबर डाल दिया, इस पर चलो 2 नंबर डाल देते, 1 तो हमने यहां लिख दिया था, इस पर 2 नंबर। और दी गई रेखा कौन सी है, देखो दी गई रेखा ये है आपके पास x प्लस 3y बराबर 7, इस पर हम नंबर 3 डाल दें। अब बस इन दोनों रेखाओं को हम हल करेंगे, x y के मान ज्ञात करेंगे, वो x y के जो मान होंगे वही क्यू बिंदु के निर्देशांक होंगे, मानी प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, तो इनको देखो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको दोनों को हल करने के लिए समीकरण या 3 में यहां हम 3 का ही गुणा कर देते हैं, क्योंकि यहां x का गुणांक बराबर कर ले, सीधा सीधा काम है। तो देखो 3 का गुणा करेंगे 3x प्लस 3 * 9y और बराबर 3 * 7 = 21, और इसी के नीचे आपको दूसरा वाला इक्वेशन लिखना है 3x माइनस वाई इक्वल टू 1। देखो घटाएंगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 10y बराबर ये हो जाएगा 20, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू 2। ठीक है, और ये y का मान समीकरण आप यहां कहीं रख दें, इसमें लिख दें, यहां लिख देते हैं 2 में रखने पर, तो यहां पर लिख दें देखो 3x माइनस वाई, वाई की वैल्यू हम 2 लिख दें, बराबर में 1 लिख दें, यहां पर देखो 3x बराबर 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास देखो बिंदु Q के निर्देशांक निकल के आ गए, बिंदु Q के निर्देशांक कितने होंगे, x का मान 1 निकला है और y का मान आपका 2, y का मान 2 मानी एक्स कॉमा वाई, ये बिंदु Q के निर्देशांक हो गए, जो कि हम कह सकते हैं पी आर रेखा का मध्य बिंदु होगा। क्यू बिंदु क्या होगा, पी आर रेखा का मध्य बिंदु होगा। आपको लिखना है रेखा पी आर का मध्य बिंदु,
मध्य बिंदु कितना होगा, 1.2। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगाएंगे। देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, सूत्र ये हम यहां लिख दें, ये होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y निर्देशांक होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक, तो चलिए लौट के यहां पे आ जाएगा, थोड़ा सा छोटा से है, यहां देख लें। देखो x की वैल्यू आपको लिखनी है, देखो इस q बिंदु के निर्देशांक आपने निकाले वो यहां लिख दें 1.2। यहां पर देखो ये देखो x, x का मान 1 लिखेंगे, बराबर x1 3 प्लस x2 h अपॉन में 2 लिख दें। तो यहां से देखो कैलकुलेट करोगे तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 2 एकम 2 और 2 में से 3 घटेगा तो h बराबर आएगा माइनस का 1। ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार बिल्कुल देखो y निर्देशांक, y निर्देशांक आपका कितना है 2 है, तो आपको लिखना है 2 बराबर 8 प्लस k और अपॉन में 2। तो यहां से देखो k की वैल्यू निकल आएगी कितनी, k बराबर 2 दूनी 4, 8 घटाओगे तो माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये आपका जो प्रतिबिंब बनेगा r बिंदु उसके निर्देशांक निकल के आ गए। देखो कितने प्रतिबिंब r के निर्देशांक, प्रतिबिंब r के निर्देशांक कितने लिखोगे, माइनस 1.-4। ठीक है भाई, ये आंसर आ गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। यदि रेखाएं y बराबर 3x प्लस 1 और 2y बराबर x प्लस 3, रेखा y बराबर mx प्लस 4 से समान रूप से आनत हो तो m का मान आपको ज्ञात करना है। मतलब सीधा सीधा है कि इस रेखा और इस रेखा का जो झुकाव है वही इस रेखा और इस रेखा का झुकाव, आनत माने क्या होता है झुकाव, मतलब उसके बीच का कोण, सीधा सीधा। तो देखो इस रेखा और इस रेखा के बीच का कोण जो है उसको हम अगर थीटा मान लें तो इस रेखा और इस रेखा के बीच का कोण भी थीटा ही है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। देखो यहां लिख लेते हैं, रेखा बाई बराबर 3x प्लस 1 व बाई बराबर mx प्लस 4 के बीच का कोण, बीच का कोण माना थीटा है, तो टेन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू होता है ना। ठीक है, तो एम वन मानी क्या है, रेखा एक की प्रबलता, एम टू मानी क्या है, रेखा दो की प्रबलता। तो आपको यहां पर तो बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है, एम की वैल्यू यहां देखो कितनी है, 3 आपको लिखना है, m1 का मान 3 लिखना है, माइनस m2 और m2 बराबर यहां पर m है और अपॉन में 1 प्लस 3 इंटू m, ये आपको लिखना है tan थीटा का मान। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस रेखा और इस रेखा के बीच का भी कोण आपको इतना है थीटा ही लिखना है, है ना। तो यहां लिखना है, दिया है, क्या दिया गया है कि रेखा 2y बराबर x प्लस 3 तथा y बराबर mx प्लस 4 के बीच का कोण, बीच का कोण भी थीटा है। तब वही सूत्र बिल्कुल tan थीटा बराबर, देखो क्या करना है, वही सूत्र लगाना है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 की वैल्यू देखो यहां से निकालोगे कितनी निकलेगी, यहां सबसे पहले 2 यहां से हटाओगे तो 2 का भाग लगेगा, तो m का मान कितना हो जाएगा, देखो यहां अगर हम पक्षांतर करके यहां देखो बता देते, यहां देखें 2 अगर हम डिवाइड करेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा 1/2x प्लस में 3/2। तो यहां देखो y बराबर mx प्लस c से तुलना करें तो m की वैल्यू 1/2 आएगी ना, तो आपको लिखना है यहां m का मान 1/2, m1 हो गया 1/2 माइनस m2, m2 का मान m हो गया और अपॉन में 1 प्लस 1/2 इंटू m। क्लियर, तो प्रश्न के अनुसार देखो इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण भी थीटा है, तो हमने लिख दिया tan थीटा बराबर इतना। तो सीधा सीधा प्रश्न के अनुसार दोनों को आपको बराबर करके लिखना है। तो देखो ये तो समझ में आ गया होगा, इसको हम यहां रब कर देते हैं, यहां इसको रब कर दें इस तरीके। तो अब क्या करना है, देखो tan थीटा दोनों को हम बराबर कर दें तो यहां लिख दें प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार दोनों आपके आनत बराबर हैं, मानी झुकाव बराबर हैं, तो आपको लिखना है
मॉड ऑफ एम वन मानी आपको लिखना है कितना, तीन माइनस में एम अपॉन में वन प्लस तीन एम, और बराबर में लिखना है ये आपका देखो वन अपॉन टू, यहां से कॉमन लेके एलसीएम लेके कैंसिल करोगे तो वन माइनस का दो एम होगा और नीचे वन प्लस एम हो जाएगा, ठीक है, टू प्लस एम कितना हो जाएगा टू प्लस एम, ये इस तरीके से बस इसको हल करेंगे, एम की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। देखो यहां पर हम हल करके दिखा दें, क्या करोगे यहां पे, सबसे पहला काम ये मॉड खत्म करें, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हो तीन माइनस में एम और अपॉन में वन प्लस में तीन एम, और बराबर का निशान यहां प्लस माइनस का निशान लगा दें और लिखेंगे वन माइनस का टू एम अपॉन में टू प्लस एम, टू प्लस एम, ठीक, प्लस निशान ले आए, एक वैल्यू एम की वैल्यू, दूसरी एक वैल्यू निकल आएगी, दूसरा माइनस अगर लेंगे तो दूसरी वैल्यू निकल आएगी प्लस चिन्ह लेने पर। तो यहां पर देखो लिख दें तीन माइनस का एम अपॉन में वन प्लस तीन एम, बराबर में लिखना है प्लस का चिन्ह लेंगे तो वन माइनस का टू एम अपॉन में टू प्लस में एम, ठीक है, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये देखो हमारे पास कितना हो जाएगा वन प्लस में थ्री एम, और इसमें मल्टीपल करना है वन माइनस टू एम का, और इक्वल टू में लिख दें थ्री माइनस में एम इंटू में यहां पर टू प्लस एम, ठीक है, इसको देखो यहां से अगर इसका गुणा कर दें, इसमें पहले गुणा करें तो एक माइनस का दो एम, और ये आपका प्लस का लिखेंगे थ्री एम, और ये माइनस का लिखेंगे दो तिया छह इंटू एम का स्क्वायर, बराबर यहां देखो दो तिया छह प्लस का लिखेंगे तीन एम माइनस में दो एम और माइनस में लिखेंगे एम स्क्वायर, ठीक, तो इसको यहां पर देखो इसको हल करेंगे, यहां देखो ये तीन एम से तीन एम कैंसिल हो जाएगा, दो एम माइनस का ये दो एम ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा कितना पांच एम का स्क्वायर बचेगा, पांच एम स्क्वायर, और इसके बाद आपके पास ये बचेगा कितना देखो पांच एम स्क्वायर हो गया, इधर ले आओगे माइनस का पांच हो जाएगा, ठीक है, और एम स्क्वायर बराबर आपको लिखना है माइनस एक, तो आप एम की वैल्यू अब यहां से डिफाइन नहीं कर पाओगे, है ना, तो आपको m का मान क्या लिखना है अमान्य, मतलब ये हमारी m की वैल्यू मान्य नहीं है, ठीक, अमान्य लिख दें, तो माइनस चिन्ह लें, देखो यहां लिख दें माइनस चिन्ह लेने पर, अगर माइनस चिन्ह लेंगे तो m का मान देखो कितना निकलेगा यहां से, तो लिख देते हैं तीन माइनस में m अपॉन में वन प्लस थ्री एम, और बराबर में माइनस का चिन्ह लगाएंगे वन माइनस का टू एम, और अपॉन में लिखना है टू प्लस एम, फिर वही बात क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास देखो तीन का पहले गुणा करेंगे दो तिया छह और तीन एम लिख दें, माइनस का हमें दो एम लिखना है, माइनस में एम स्क्वायर लिखना है बराबर, और इसके बाद देखो माइनस तो लगा रहे हैं, इसके बाद इसका भी देखो एक का गुणा करोगे तो वन माइनस टू एम आएगा, और प्लस का लिखोगे थ्री एम और माइनस का सिक्स एम स्क्वायर, माइनस का सिक्स एम स्क्वायर, और बस माइनस का अंदर मल्टीपल करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे छह प्लस का एक एम बचेगा माइनस में एम स्क्वायर, और फिर इसके बाद माइनस का अंदर मल्टीपल करना है माइनस एक, और ये हो जाएगा माइनस का एक एम और प्लस का हो जाएगा छह एम का स्क्वायर, तो यहां देखो छह एम स्क्वायर में एक एम स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो यहां लिख देते हैं देखो हो जाएगा सात एम स्क्वायर, और इसके बाद आपको क्या करना है माइनस का लिखना है दो एम, और फिर इसके बाद में आपको माइनस का लिखना है सात और बराबर में जीरो लिखना है, यहां देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में हो गया, तो यहां पर श्री धराचार से m की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, देखो कितना m बराबर आपको लिखना है माइनस माइनस प्लस का दो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस दो का स्क्वायर चार माइनस का फोर ए का मान सात इंटू सी, सी की वैल्यू माइनस सात लिखना है और अपॉन में लिखना है टू इंटू ए, ए की वैल्यू सेवन, बस इसको कैलकुलेट करेंगे m का मान ज्ञात हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 मां, यदि एक चर बिंदु P x, y की रेखाओं x प्लस y माइनस पांच बराबर जीरो और दूसरी रेखा दी गई है 3x माइनस 2y प्लस सात बराबर जीरो से लंबिक दूरियों का योग सदैव 10 रहे तो दर्शाइए कि P अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करता है। देखो बहुत सावधानी से समझना है, आपके पास एक बिंदु दिया गया है, इस बिंदु से इस रेखा की लंबिक दूरी आपको निकालनी है और इस
इसी बिंदु से इस दूसरी वाली रेखा की लंबिक दूरी निकालनी है और बस दोनों दूरियों का योग बराबर 10 के लिखना है। ठीक, लंबिक दूरियों का योग बराबर कितना लिखना है, 10 के बराबर लिखना है। तो हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि जो एक समीकरण बन के तैयार होगा वो समीकरण एक रेखा का समीकरण निकले, तो समझो ये पी बिंदु अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करता सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर आपको यही सब कुछ करके दिखा देते हैं। आपको देखो लिखना है बिंदु पी, पी बिंदु, इसके निर्देशांक आपके दिए गए हैं एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई से रेखाओं, देखो कौन कौन सी दो रेखाएं दी गई हैं, एक्स प्लस वाई माइनस पांच बराबर जीरो, तथा एक दूसरी रेखा कौन सी दी गई है, दूसरी रेखा दी गई है तीन एक्स माइनस दो वाई प्लस में सात बराबर जीरो। ये दोनों रेखाएं दी गई हैं, इस पर नंबर एक डाल सकते हो, इस पर नंबर दो डाल लें। ठीक है, और इन दोनों रेखाओं की लंबिक दूरियां इस बिंदु से निकालनी है, बिंदु पी से, बिंदु पी से रेखा एक की लंबिक दूरी, लंबिक दूरी। प्लस रेखा दो की बिंदु पी से लंबिक दूरी, लंबिक दूरी बराबर कितनी लिखनी है, 10 लिखनी है, इतना लिखना है आपको बस। ये हमें प्रश्न के अनुसार दिया गया, यहां लिख सकते हो आप प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक, यही तो दिया गया है, बिंदु पी से रेखा एक की लंबिक दूरी प्लस रेखा दो की बिंदु पी से लंबिक दूरी, दोनों दूरियों का योग बराबर 10 दिया गया है, बस इतना हमें करके दिखाना है और एक इक्वेशन बना के तैयार करना है, और वो इक्वेशन आपका एक रेखा का इक्वेशन निकलना चाहिए, तो समझो बिंदु पी एक रेखा पर गमन करता सिद्ध हो जाएगा। चलिए देखो यहां पर हमें क्या करना है, किसी बिंदु से किसी रेखा पर कैसे लंब डालते हैं हम, देखिए यहां सूत्र आपको लिख के दिखा देते हैं। जैसे हमारे पास एक रेखा दी जाए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और एक बिंदु हमें पता हो एक्स वन कॉमा वाई वन, इस बिंदु से लंबिक दूरी निकालनी हो, क्या निकालना हो, लंबिक दूरी, लंबिक दूरी बराबर कितना, कितना कैसे निकालते हैं, इस बिंदु से इसको संतुष्ट कराएंगे, मानी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने आपको यह बताया कि इसको आप कुछ इस प्रकार याद कर रहे हैं कि इस बिंदु से इस रेखा को संतुष्ट कराएं, बटे अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग, यही तो बताया हमने। तो यही सब कुछ यहां पर देखो हमें करना है, इस एक्स कॉमा वाई से इस रेखा को पहले संतुष्ट कराएं, तो सीधा सीधा वही काम है, एक्स के स्थान पर आपको एक्स ही रखना है, वाई के स्थान पर वाई रखना है, कुछ बदलना ही नहीं है, सीधा सीधा काम है, एक्स प्लस वाई माइनस का पांच और अपॉन में लिखना है अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग, भैया एक्स का गुणांक एक है, एक का वर्ग कर दें, और प्लस वाई का गुणांक भी एक है, तो यहां भी आपको एक का वर्ग लिखना है, और प्लस अब देखो दूसरी वाली रेखा पर इसी बिंदु से लंब डालना है, तो कैसे डालोगे, वही काम इसमें करना है, इस बिंदु से इस रेखा को संतुष्ट कराना है, तो यही मिलेगा आपको तीन एक्स माइनस में दो वाई प्लस में सात और बटे में अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग मतलब तीन का स्क्वायर, और वाई का गुणांक है माइनस दो, तो आपको लिखना है माइनस दो का स्क्वायर, और बस इन दोनों दूरियों का योग बराबर कितना, 10 लिखना है, बराबर 10। ठीक, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, रेखा का समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहां पर ऐसे लिख दें एक्स प्लस वाई माइनस का पांच और अपॉन में देखो एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, दोनों को जोड़ोगे तो यहां पर अंडर रूट दो लिख दें, प्लस यहां पर आपको लिखना है तीन एक्स माइनस में दो वाई प्लस में सात और अपॉन में लिखना है अंडर रूट तीन का स्क्वायर नौ, नौ और माइनस दो का स्क्वायर प्लस का चार, नौ चार तेरह, मतलब सीधा सीधा हम अंडर रूट तेरह लिख दें और बराबर में यहां क्या लिख दें, 10। ठीक है भाई, देखो दोनों जगह पे एलसीएम आ जाएगा कितना, यहां से हम दोनों का एलसीएम अंडर रूट दो इंटू अंडर रूट तेरह, इतना एलसीएम लें तो इसका मल्टीपल इसमें हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट तेरह एक्स प्लस अंडर रूट तेरह वाई माइनस में पांच अंडर रूट तेरह, और प्लस यहां पर आ जाओ, देखो
अब आपको अंडर रूट दो का इधर गुणा करना है, तीन अंडर रूट दो इंटू एक्स माइनस में दो अंडर रूट दो इंटू वाई प्लस में सात अंडर रूट दो, और ये बराबर में आपको कितना दस लिखना है। ठीक है, एक्स यहां है, एक्स यहां, इन दोनों जगह से एक्स कॉमन लें तो यहां तो बचेगा अंडर रूट तेरह और प्लस में यहां बचेगा कितना तीन अंडर रूट दो इंटू में एक्स, इतना तो ये बचेगा। ठीक है ना, अब बाई वाले देखो, इन दोनों जगह से बाई कॉमन लेना है तो बचेगा कितना अंडर रूट तेरह माइनस में दो अंडर रूट दो इंटू में बाई। ठीक है, और फिर इसके बाद जो अचर पद है उनको लिख लें, अचर पद आपका है माइनस में पांच अंडर रूट तेरह और प्लस में सात अंडर रूट दो और बराबर में इधर देखो ये इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो दस इंटू में तेरह दूनी छब्बीस, यहां अंडर रूट छब्बीस लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये देखो, हम अगर इसको इस फॉर्म में लिखें, क्योंकि हमें रेखा का समीकरण पता होता है, जनरल समीकरण क्या होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट तेरह प्लस तीन अंडर रूट दो इंटू एक्स प्लस यहां देखो अंडर रूट तेरह माइनस दो अंडर रूट दो इंटू बाई, और इसको अगर इधर ले आए तो ये आपका माइनस में पांच अंडर रूट तेरह प्लस में आपको लिखना है सात अंडर रूट दो माइनस में दस अंडर रूट छब्बीस और बराबर में जीरो। ठीक, ये आपका रेखा का देखो समीकरण हो गया किस रूप में, जो आपको यहां लिखना है जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में है, रूप में है। अतः यहां आपको आंसर लिखना है, क्या लिख दें, अतः बिंदु P सदैव, वही लिखना है जो आपको वहां लिखा है, बिंदु P अनिवार्य रूप से, क्या लिखना है, अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करता है, गमन करता है। ठीक है भाई, आपको कुछ खास काम नहीं है, बस केवल आपको जो प्रश्न में दिया गया है वही सब कुछ करना है। प्रश्न में कहा गया है इस बिंदु से इसकी दूरी, आपको दूरी का मतलब सीधे लंबिक दूरी, ठीक है, तो इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप निकालना है और इसी बिंदु P से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप निकालना है और दोनों को जोड़ना है। जैसे कि देखो हमने पहली वाली रेखा पर लंब की माप निकाली और दूसरी वाली रेखा पर भी बिंदु P से डाले गए लंब की माप निकाली, दोनों को जोड़ दिया, बराबर 10 के लिख दिया। बस इसको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद आपका ये इक्वेशन जो बन के तैयार हुआ, ये वास्तव में एक रेखा का इक्वेशन है जो कि आपका ax प्लस by प्लस c बराबर जीरो के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका P बिंदु है वो अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, समांतर रेखाओं 9x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0 और 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0 से समदूरस्थ रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इन दोनों रेखाओं, ये समांतर दोनों रेखाएं, इनसे एक दूरी, समान दूरी पर कोई रेखा हमें खींचनी है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो हमें दिया गया है एक रेखा का समीकरण 9x प्लस में 6y माइनस 7 बराबर 0। इस रेखा में थोड़ा सा हम बदल के ऐसे लिख सकते हो, देखो तीन का अगर हम यहां पर भाग कर दें तो तीन त्रिका 9 मतलब 3x हो जाएगा, ये तीन दूनी 6 मतलब 2y हो जाएगा, माइनस में 7 बटे 3 लिख दें बराबर 0। एक रेखा हमारी पहली वाली तो ये हो गई। एक दूसरी रेखा जो दी गई है वो देखो है 3x प्लस में 2y प्लस में 6 बराबर 0। ये देखो बिल्कुल एकदम सीधी दिखने लगी है, ये दोनों समांतर रेखाएं, क्योंकि एक्स के और वाई के देखो दोनों समीकरणों में एक्स के और वाई के गुणांक कैसे हैं, बिल्कुल जस्ट बराबर हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। देखो चित्र से हम आपको समझाने की कोशिश करें, एक रेखा तो ये मान लो रेखा नंबर एक है और बिल्कुल ठीक इसी के समांतर कोई हम दूसरी रेखा यहां बनाते हैं तो ये रेखा नंबर दो हो गई। ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी दिख रही है, समांतर, ठीक। और इन समांतर रेखाओं के बिल्कुल समान दूरी पर कोई एक हमें तीसरी रेखा बनानी है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि ये कोई एक समांतर रेखा है, ये नंबर तीसरी रेखा हो गई, मतलब ये अभीष्ट रेखा है, इसका हमें समीकरण पूछा गया है, अभीष्ट रेखा, इसका समीकरण पूछा गया है और इस रेखा का और इस रेखा का समीकरण हमें दिया गया है। आपसे कहा गया है कि इस रेखा की इससे दूरी और इस रेखा की इससे दूरी समान है, ठीक। रेखा नंबर एक की इस रेखा नंबर तीन से दूरी मान लेते हैं P1 और रेखा नंबर दो से
ये दो वाली रेखा और तीन वाली रेखा के बीच की दूरी अगर हम P2 लिख दें तो आपसे ये कहा गया है कि P1 और P2 आपस में कैसे हैं बराबर, मतलब इस रेखा की इससे दूरी समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, तो इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी समान है, ठीक है। तो इस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है और ये रेखा है कैसी, बिल्कुल जस्ट समांतर है, तो आपको पता ही है समांतर रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। देखो यहां पर लिख दें अभीष्ट रेखा का समीकरण, मतलब जो रेखा हमें पूछी गई है यहां देखो रेखा एक व दो के समांतर अभीष्ट रेखा का समीकरण, अभीष्ट रेखा कौन सी है इस पर हमने क्या नंबर दिया है तीन, अभीष्ट रेखा तीन का समीकरण। तो किसी भी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, हम सीधा सीधा क्या करते हैं अचर पद हटा के बराबर लैम्डा लिखते हैं, मतलब सीधा काम है तीन एक्स प्लस में दो वाई और बराबर में लैम्डा, या इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, देखो तीन एक्स प्लस दो वाई माइनस लैम्डा बराबर जीरो, ये हमारी हो गई समांतर रेखा, इस पर हम नंबर तीन डाल लें, मतलब ये अभीष्ट रेखा है जो हमें ज्ञात करनी है। यहां लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए देखो शर्त दी गई है कि इस रेखा की इससे दूरी और इस रेखा की इससे दूरी समान है, समदूरस्थ है ना, यही तो कहा गया है। तो आपको लिखना है रेखा एक व तीन के बीच की दूरी, के बीच की दूरी कितनी बताओ, कितनी निकालो कैसे, हमने आपको बताया दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, एक रेखा ये है एक रेखा ये, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी अगर ज्ञात करनी होती है तो हमने आपको सूत्र बताया है क्या होता है, अचर पद घटाना होता, मतलब C1 माइनस C2 क्या करना है, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला बताया हमने। तो यहां पर देखो C1 की वैल्यू कितनी है माइनस सात बटे दो, यहां पर हम सीधा सात लिखेंगे माइनस सात बटे में तीन, ये C1 है और माइनस C2 ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा लैम्डा और अपॉन में अंडर रूट, अब एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग, मतलब तीन का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, ठीक ये क्लियर हो गया। तो या हम इसको कुछ इस प्रकार यहां लिख दें माइनस सात बटे तीन प्लस लैम्डा और अपॉन में देखो तीन का स्क्वायर तीन त्रिका नौ दो का स्क्वायर चार नौ चार तेरह और अंडर रूट तेरह लिख दें यहां, ठीक है इस तरीके से। अब देखिए रेखा नंबर दो और तीन के बीच की दूरी निकालो, देखो रेखा दो व तीन के बीच की दूरी, बीच की दूरी अब बताओ इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, वही काम यहां भी करना है। देखो हमने यहां पर इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को P1 से डिनोट किया है, तो यहां पर ये तो देखो P1 निकल आया, ये इतना है ये P1 है ना, अब इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ये हम P2 निकालना जा रहे हैं, ठीक P2, तो यहां पर देखो ये P2 बराबर कैसे निकालोगे बताओ, ये P1 है ये P2, तो वही काम करना है। देखो C1 माइनस C2 वाला, तो यहां पर देखो एक ये आपका है C1 ये है 6 और C2 कितना है माइनस माइनस ये प्लस का लैम्डा हो जाएगा और अपॉन में अंडर रूट यहां वही x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा बराबर में ये मॉड में लिखना है 6 प्लस लैम्डा और अपॉन में कितना ये अंडर रूट तीन मतलब तीन का स्क्वायर नौ लिख दें सीधा और नौ चार तेरह सीधा अंडर रूट तेरह लिख दें है ना अंडर रूट तेरह। अब बोलो क्या करना है, प्रश्न के अनुसार ये P1 और P2 दोनों बराबर दिए गए मतलब समान दूरी पर है, तो आपको लिखना है यहां प्रश्नानुसार, क्या लिखना है प्रश्नानुसार P1 बराबर P2, मतलब रेखा नंबर एक से तीन की दूरी और दो से तीन की दूरी समान है, मतलब P1 और P2 दोनों आपस में बराबर है, लिख देते हैं। देखो यहां पर लिखते हैं मॉड ऑफ माइनस में सेवन अपॉन थ्री प्लस लैम्डा और अपॉन में अंडर रूट तेरह और बराबर में यहां लिख दें देखो कितना मॉड में लिखना है छ प्लस में लैम्डा अपॉन में अंडर रूट तेरह ये इतना, ठीक यहां से बस केवल हम हल करके लैम्डा का मान निकालेंगे और वो लैम्डा का मान आपको यहां पर रखना है रेखा नंबर तीन में, यही तो अभीष्ट रेखा का समीकरण है। तो इसको हल कैसे करोगे, देखो यहां अंडर रूट तेरह सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास बचेगा मॉड में माइनस का सात बटे तीन प्लस लैम्डा और बराबर में यहां बचेगा छह प्लस लैम्डा, ठीक।
तो यहां पर देखो, अगर हम ये मॉड का निशान खत्म करेंगे तो प्लस माइनस का चिन्ह लिया जाएगा। तो यहां पर आपको लिखना है माइनस सात बटे तीन प्लस लेमडा बराबर में प्लस माइनस छ प्लस लेमडा। अब देखिए, अगर हम प्लस का ये निशान लें तो यहां पर ये प्लस की वैल्यू है लेमडा की, ये भी जो कैंसिल हो जाएगी, तो लेमडा हम कैलकुलेट नहीं कर रहे। तो अब यहां पर क्या कर दें, माइनस चिन्ह लेने पर, आप माइनस चिन्ह लेंगे तो ही आपको लेमडा की वैल्यू मिलेगी। माइनस चिन्ह लेने पर, अगर माइनस चिन्ह लेंगे तो देखो माइनस का सात बटा तीन ये ज्यों का त्यों, प्लस लेमडा भी ज्यों का त्यों, बराबर ये माइनस का हो जाएगा छ और माइनस का हो जाएगा लेमडा। ठीक, तो यहां से देखो इधर ले आओ, प्लस का दो लेमडा हो जाएगा, दो लेमडा बराबर ये माइनस का है तो सात बटे तीन प्लस का हो जाएगा माइनस में छ। तो वो छती अठारह, अठारह में से आपको सात घटा देना है तो माइनस का कितना ग्यारह बटा तीन, और ये दो का भाग लग जाएगा, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ग्यारह बटे दो या छ। ठीक, माइनस ग्यारह बटे छ, इस लेमडा के मान को आपको कहां लिखना है, इक्वेशन नंबर थर्ड में। ठीक है, तो यहां पर अब हम कहां लिख दें, चलिए यहां पर देखो क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, यहां लिख देते हैं। ठीक है, बस केवल मान रखना है, समझो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। यहां लिख दें लेमडा का मान इक्वेशन नंबर तीन में रखने पर, लेमडा का मान समीकरण तीन में रखने पर, तो अगर तीन में रखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, यहां पर रखोगे तीन एक्स और प्लस में दो वाई और माइनस का लेमडा, तो माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा कितना ग्यारह बटे छह और बराबर में जीरो। अगर छह का पूरे इक्वेशन में हम यहां पे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा छतिया अठारह एक्स प्लस में छह दूनी बारह वाई प्लस में ग्यारह बराबर जीरो। ये आपका देखो अभीष्ट रेखा का समीकरण निकल के आ गया। ठीक, ये रेखा इन दोनों रेखाओं के देखो समांतर होगी और दोनों रेखाओं से समदूरस्थ होगी, मतलब इस रेखा से इसकी दूरी और इस रेखा से इसकी दूरी बिल्कुल जस्ट बराबर होगी, और ये रेखा जो होगी अभीष्ट रेखा वो रेखा नंबर एक और रेखा नंबर दो दोनों के समांतर होगी। लग रही है कैसे समांतर, देखो अगर हम वही काम करें कि इस रेखा की प्रवणता निकालें तो जो इस रेखा की प्रवणता निकलेगी वही इस रेखा की प्रवणता निकलेगी, तभी तो आप कह सकते हैं समांतर रेखा है ना। तो माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक अगर आप चेक करना चाहें तो माइनस तीन बटे दो, देखो इसकी प्रवणता कितनी होगी माइनस तीन बटे दो, और इसकी भी प्रवणता देखो उसी प्रकार माइनस का अठारह बटे बारह करोगे तो माइनस का तीन बटे दो तो निकलेगी, छतिया अठारह छह दूनी बारह, ठीक है ना। तो प्रवणता आपकी बिल्कुल सेम निकलेगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में समांतर है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार ये रेखा भी इसके समांतर होगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 23 हम बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 और 24 दोनों प्रश्न आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बताएंगे, तो हम निश्चित रूप से उसका हम सॉल्यूशन आपको भेजेंगे। ठीक है, वैसे आप कर सकते हो, इतने सारे प्रश्न हमने किए हैं तो उनके अकॉर्डिंग आप ये प्रश्न जो 22वां है और 24वां है दोनों आप स्वयं करेंगे, और इसको हम ये क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर कर लें। देखो लिखा है, दिखाइए कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा जीरो, और एक दूसरा बिंदु है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा जीरो, इन दोनों बिंदुओं से रेखा एक्स अपॉन ए इंटू कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी इंटू साइन थीटा बराबर एक पर खींचे गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल बी स्क्वायर हमें सिद्ध करना है। मतलब इस बिंदु से इस रेखा पर खींचा गया लंब और इस बिंदु से इस रेखा पर खींचा गया लंब जो निकले उन दोनों लंबों की लंबाइयों का गुणा करके हमें बी स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए देखो यहां पर हम ऐसे लिखते हैं, एक रेखा जो दी गई है उसको हम पहले लिख लें। रेखा का समीकरण हमें दिया गया है एक्स अपॉन ए इंटू कॉस थीटा प्लस बाई अपॉन बी इंटू में साइन थीटा और इक्वल टू में वन दिया गया है। इसको देखो थोड़ा सा बदल के लिखेंगे, अगर हम ए बी एलसीएम लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो बी एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस में लिख दें ए बाई इंटू में साइन थीटा और बराबर में ए बी या बराबर ए बी इधर ले आए तो माइनस का ए बी लिख दें बराबर में जीरो। ठीक है, इस रेखा पर इस बिंदु से देखो ध्यान दें, इस रेखा का नंबर हम एक डाल दें और रेखा नंबर एक पर कहां से लंब डालेंगे, बिंदु अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा जीरो से डाले गए लंब की माप निकालें, से डाले गए लंब की माप,
लंब की माप को अगर हम P1 से डिनोट कर दें, P1, तो P1 बराबर हम देखो किसी भी बिंदु से किसी दी गई रेखा पर लंब कैसे डालते हैं आपको पता है। आपको क्या करना होता है, इस बिंदु से इस रेखा को संतुष्ट कराएं बटे अंडर रूट एक्स के गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर। देखो सूत्र हम इस प्रकार यहां लिख दें, हमने आपको बताया एक रेखा आपको देखो दी जाए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, इस रेखा पर बिंदु एक्स वन वाई वन से अगर लंब खिंचवाया जाए बिंदु एक्स वन कॉमा वाई वन से डाले गए लंब की माप, डाले गए लंब की माप, लंब की माप अगर हम P से डिनोट करें तो P बराबर हमने आपको बताया लिखना होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो आपको सूत्र हमने बताया, लेकिन हमने आपको ये बताया था कि इसका हम एप्लीकेशन सबसे आसान तरीका ये होता है कि इस देखो ये बिंदु एक्स वन वाई वन ठीक, और इस एक्स वन वाई वन से आपको यहां जहां पर एक्स लिखी है वहां पर आपको ये लिखना है और वाई लिखी वहां पर आपको जीरो लिखना है, मतलब इसको इससे संतुष्ट कराएं और फिर बटे में अंडर रूट एक्स के गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर। तो यही यहां पर देखो बिल्कुल सेम यही काम करना है, देखो बी अपना ज्यों का त्यों और इस x के जगह पे आपको लिखना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर cos थीटा आपका ज्यों का त्यों लिखना है, फिर प्लस ए बाई का मान जैसे ही जीरो लिखोगे पूरा जीरो हो जाएगा ठीक है, और ये आपका लिखना चाहे तो लिखे नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है पूरा जीरो, और ये माइनस का ए भी आपका ज्यों का त्यों और फिर अपॉन में अंडर रूट अब एक्स के गुणांक का स्क्वायर प्लस बाई के गुणांक का स्क्वायर। एक्स का गुणांक बताओ कितना है, एक्स का गुणांक है आपके पास बी इंटू cos थीटा और इसका स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बाई के गुणांक का स्क्वायर, बाई का गुणांक है ए साइन थीटा तो स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ठीक। और यहां पर इसको वास्तव में इस प्रकार मॉड लिख लेते हैं अगर कोई इस यहां पर देखो ये सूत्र में मॉड है ना, तो ये देखो लंब की माप हमने पी वन की वैल्यू निकाल ली, देखो यहां से कुछ इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि ऊपर ये तो आपका जीरो ही है सीधा सीधा, यहां से बी और यहां से बी दोनों जगह से आप बी कॉमन ले लें कितना b, और b कॉमन लेने के बाद अब बचेगा कितना वो यहां लिख दें अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा और माइनस में a बचेगा इतना ठीक है, और अपॉन में अंडर रूट यहां लिख दें बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में ए स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा ठीक, क्लियर इतना। अब देखिए दूसरा बिंदु दिया गया, इस बिंदु से इसी रेखा पर लंब डालें तो यहां लिख दें पुनः बिंदु माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा जीरो, इस बिंदु से रेखा एक पर, रेखा एक पर डाले गए लंब की माप, डाले गए लंब की माप, इस बिंदु पर डाले गए लंब की माप, इस बिंदु से दूसरे वाले बिंदु से इस रेखा एक पर डाले गए लंब की माप को अगर हम P2 से प्रदर्शित कर दें तो P2 बराबर वही काम बिल्कुल करना है संतुष्ट कराने पे, देखो यहां पर x की वैल्यू ये इतनी लिखनी है, y की वैल्यू जीरो लिखनी है, तो आपको लिखना है कितना, देखो b तो आपका ज्यों का त्यों और ये x का मान आपको लिखना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस में है तो माइनस हम यहां लिख देते ठीक है, और इंटू में cos थीटा भी ज्यों का त्यों और ये आपका वाई वाला ये पद पूरा जीरो हो जाएगा और माइनस का ए भी आपका ज्यों का त्यों और फिर अपॉन में लिखना है अंडर रूट एक्स के गुणांक का स्क्वायर, कितना है एक्स का गुणांक बी तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है और प्लस बाई का गुणांक कितना है ए साइन थीटा तो इसका भी स्क्वायर लिख दें ए स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा ठीक, और यहां भी इसमें ऐसे ही मॉड लगा दें क्लियर। तो इसके बाद देखो पी टू की वैल्यू हमारी ज्ञात हो जाएगी कितनी, यहां से भी आपको वही काम करना है, देखो माइनस बी कॉमन ले ले कितना माइनस बी, अब बचेगा कितना, बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा और ये प्लस का हो जाएगा ए और अपॉन में वही काम अंडर रूट बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में ए स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा ठीक। अब यहां पर देखो हमें क्या करना है, ये पहले वाले बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप P1 और दूसरे वाले बिंदु से इसी रेखा पर डाले गए लंब की माप P2, इन दोनों लंबों का गुणनफल हमें करना है और फिर गुणनफल B स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है। तो यहां पर हमें सबसे पहला काम करना है देखो P1 में P2 का गुणा, P1 इंटू P2 बराबर ठीक है, तो P1 की वैल्यू देखो ये लिखी है कितनी, ये लिखी है
मॉड में है b इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इंटू में cos थीटा और माइनस में a, इतना ठीक है। और अपॉन में आपको लिखना है अंडर रूट b स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर इंटू में sin स्क्वायर थीटा इंटू, यहां पर देखो P2 की वैल्यू ये है देखो कितनी है मॉड में ये भी है माइनस में b इंटू में ब्रैकेट में लिखे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में cos थीटा प्लस में लिख दें a और अपॉन में क्या लिख दें अंडर रूट बी स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू में sin स्क्वायर थीटा ठीक। अब इनका देखो गुणा कर दें तो बराबर का फिर निशान लगाएं और यहां देखो जब नीचे का नीचे में गुणा ये हर का हर में जब गुणा करोगे तो अंडर रूट तो सीधा सीधा खत्म हो जाएगा। ऊपर देखो ध्यान दें ऊपर जब गुणा देखो बी का गुणा इसमें करोगे तो देखो माइनस बी स्क्वायर तो ये हो गया और ये देखो ब्रैकेट में ब्रैकेट का जब गुणा करोगे तो इसको अगर हम देखो इस वर्गांतर वाले फॉर्मूला से गुणा कर दें तो पहले पहला पद माइनस दूसरा और यहां पर पहला प्लस दूसरा आपको लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला है ना तो इसका स्क्वायर करना है देखो स्क्वायर खत्म हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा और कॉस पर सीधा स्क्वायर मानी कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस अब ए का स्क्वायर गुणा ऊपर का देखो इतना होगा है ना और अपॉन में नीचे देखो अंडर रूट खत्म हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट नीचे का खत्म ठीक। और ये मॉड तो को यहां पर हमें क्या करना है अब इधर आ जाए नीचे चलिए देखो इधर आ जाओ यहां पर देख लेते हैं इसको इधर यहां पर बराबर में देखो ये माइनस बी स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों और ब्रैकेट में आपके पास देखो लिखा है कितना आप कॉस स्क्वायर का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में बी स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा और फिर इसके बाद में माइनस ए स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों और अपॉन में आपको लिखना है बी स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा ठीक मॉड बराबर। अब देखिए मॉड है माइनस में बी स्क्वायर और यहां पर आपको देखो अब एक काम और करना है इन दोनों जगह से यहां से और यहां से इन दोनों जगह से अगर आप माइनस कॉमन लें कितना माइनस तो आपके पास देखो ए स्क्वायर तो ये प्लस का है ना माइनस का है ना तो ये प्लस का बन जाएगा माइनस का ए स्क्वायर पूरा कॉमन ले लें ठीक तो अब आपके पास यहां बचेगा वन और यहां बचेगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा देखो इन दोनों जगह से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इन दोनों जगह से हमने कॉमन लिया है माइनस ए स्क्वायर तो ये प्लस का हो गया वन और माइनस का ये हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर थीटा और ये आपका माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये ज्यों का त्यों ऐसे ही बना रहने और फिर इसके बाद में देखो नीचे आपके पास जो लिखा है वो भी ज्यों का त्यों ऐसे ही ये कितना बी स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है माइनस बी स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों इन दोनों जगह से माइनस आपको फिर से दोबारा कॉमन लेना है देखो यहां से माइनस और यहां से माइनस दोनों जगह से माइनस कॉमन करोगे तो ये प्लस बन जाएगा और अब आपके पास बचेगा देखो कितना ए स्क्वायर और वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है और ये आपका माइनस का प्लस हमने कॉमन ले लिया है तो ये प्लस हो गया। अब ये आपके पास बचेगा बी स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे अपॉन में बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट इससे पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है ठीक है ना तो अब क्या बचेगा देखो बी स्क्वायर सीधा सीधा ठीक और यही हमें सिद्ध करना था कि यहां पर इस रेखा पर बिंदु पहले वाले बिंदु से लंब डाला जाए तो लंब की माप P1 और दूसरे वाले लंब बिंदु से अगर इसी रेखा पर लंब डाला जाए तो इसको हमने P2 से नाम दिया और P1 और P2 मतलब दोनों लंबों का गुणनफल बराबर हमने देखो कितना प्रूव किया है बी स्क्वायर के बराबर क्लियर है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 23वां आपका समाप्त। देखिए हमने जैसा कि बताया आपको कि क्वेश्चन नंबर 24वां लास्ट में अभी और है आपको खुद स्वयं करना है। बाय द वे अगर किसी को कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हो ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखेंगे तो इसके आगे अब अगला चैप्टर जो आएगा वो आपका आएगा शंकु परिच्छेद।
बहुत बच्चे काफी दिन से डिमांड कर रहे थे कि सर संख उपरछेद पढ़ा दो, तो मैंने उनसे बताया कि भाई हम एक तरफ से जितना आपको आगे आगे हम चलते जा रहे हैं, एक तरफ से सीधा लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब आज आपकी बारी बिल्कुल संख उपरछेद की आ गई, तो अगला वीडियो जो मिलेगा वो आपको संख उपरछेद से मिलेगा, ठीक है। उसमें से सबसे पहला आर्टिकल होगा व्रत, वो आपको कवर करना है, ठीक है। तो चलिए हम फिलहाल आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको संख परिच्छेद के बारे में पूरी जानकारी करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले।